हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों, 1000 रुपये से नीचे मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर नेकबैंड टेस्ट किए हैं और बहुत सारे भाई काफ़ी अच्छे खासे नेकबैंड आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर बॉट ने अपने एक नए नेकबैंड लॉन्च किए हैं 1000 रुपये के अंडर में, और ये यहाँ पर हैं बॉट रॉकर्स 205 प्रो। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था ऑब्वियसली 1000 रुपये में। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे, और इसमें आपको यहाँ पर एक लो लेटेंसी गेमिंग मोड देखने को मिलता है जिसको बॉट ने बोला है बीस्ट मोड। तो चेक करेंगे इसको पबजी जैसी गेम में और देखते हैं लेटेंसी कितनी है और गेमिंग वाइज आप इसको ले सकते हो या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स जैसा आप देख सकते हो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, और देख पाओगे ये जो नेकबैंड है कुछ इस तरह से है। मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में इसको ऑर्डर किया था, इसके अलावा ये ब्लू और आई थिंक ये रेड कलर में अवेलेबल है। उसके अलावा इसके ऊपर कुछ फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 30 आवर्स का यहाँ पर आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा, और जैसे मैंने बताया इसमें आपको 20 मोड 65 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है। और बॉक्स के पीछे की तरफ भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, लेकिन ये जब मेरे पास डिलीवर हुआ था बॉक्स, तो भाई जैसा आप देखते हो इसकी जो हालत है वो काफी खराब सी थी, काफी फटा हुआ सा ये जो बॉक्स मेरे पास रिसीव हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्विक स्विच 20 मोड देखने को मिलता है, तो डेडिकेटेड एक बटन है जिसकी मदद से आप ये जो 20 मोड है इसे ऑन कर सकते हो। 10mm का यहाँ पर आपको ड्राइवर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 है तो ये काफी अच्छी बात है। मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं, IPX5 यहाँ पर रेटिंग है, और उसके अलावा यहाँ पर और कुछ फीचर्स हैं जैसा आप देख सकते हो। तो जल्दी से अब ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे नेकबैंड। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर सबसे पहले जो नेकबैंड है जैसा आप देख सकते हो ऑरेंज कलर में कुछ इस तरह से, इसको भी हम साइड में रखते हैं, बाकी जो बॉक्स कॉन्टेंट उसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे, तो 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं जैसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल है, तो USB-A to USB-C चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पर एक यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, और इसका जो कैटलॉग रहता है, और साथ में एक स्टिकर है आई एम बॉट हेड का। तो ये तो थे बॉक्स के कॉन्टेंट, लेकिन अब आते हैं नेकबैंड की तरफ। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, और ये जो नेकबैंड है जैसा आप देख सकते हो वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो ये जो नेकबैंड है जैसा आप देख सकते हो ऑरेंज कलर में काफी वाइब्रेंट सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो नेकबैंड का जो वेट है भाई काफी लाइट वेट है। यहाँ पर ओवरऑल ऑब्वियसली यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वैसे फिनिशिंग वगैरह काफी अच्छी खासी है, लेकिन जैसे मैंने बोला काफी लाइट वेट से नेकबैंड है। तो अगर आप इसको अपने नेक के अराउंड पहनते हो ऑब्वियसली, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसे पता भी लगेगा कि आपने नेक वगैरह में पहना हुआ है। और ये जो नेकबैंड है एक सिलिकन नेकबैंड है, तो आप इसको किसी तरह से भी फोल्ड वगैरह करके कैरी वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर जो सिलिकन है वो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज्यादा ऐसे स्टिफ भी नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर जो मिड टाइप की इसकी सॉफ्टनेस है। उसके अलावा इसके ओवरव्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो बॉट की ब्रांडिंग है, और इसी में आपको यहाँ पर इसकी जो बैटरी देखने को मिलती है। उसके अलावा राइट साइड के इस नेकबैंड में आपको कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन बटन है इससे आप इसका जो ऑन ऑफ कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो म्यूजिक। उसके बाद प्लस माइनस का बटन है, तो ऑब्वियसली इससे आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस जा सकते हो। और उसके बाद आपको एक डेडिकेटेड बीस्ट मोड का जो बटन दिया गया, जिसमें जैसे आप अपना जो गेमिंग मोड है उसे यहाँ पर जो ऑन कर सकते हो और ऑब्वियसली वापस से स्विच कर सकते हो। और उसके बाद इसी साइड में आपको पीछे की तरफ इसका जो माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर इसका जो USB-C वाला जो चार्जिंग पोर्ट है जिसकी मदद से आप ये जो नेकबैंड है इसे चार्ज कर पाओगे। उसके बाद इसकी वायर्स की बात करूँ तो वायर जैसा आप देख सकते हो आपको जिस कलर का आपने नेकबैंड खरीदा उसी कलर की आपको वायर मिलेगी, वायर की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है। और अगर ईयरबड्स की तरफ आए तो वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इन ईयर टाइप का स्टाइल देखने को मिलता है, 10mm का ड्राइवर है, और इन ईयरबड्स की जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर ये मेटल की बिल्ड क्वालिटी है, और साथ में यहाँ पर ये मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं, और ये जो मैग्नेट है यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रांग है, तो आराम से ये छूटेगा नहीं। तो अगर आप इसको अपने नेक के अराउंड पहनते हो तो आप इसको इस तरह से इसको लगा सकते हो, और ऑब्वियसली अगर आप जिम करते हो रनिंग कर रहे हो तो ये आपके नेक से कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। तो ये तो बात हुई इस नेकबैंड के डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स के बारे में, लेकिन अब इसको मैं अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लेता हूँ, और ऑब्वियसली इसकी जो साउंड क्वालिटी उसे टेस्ट करेंगे, और उसके बाद इसका जो बीस्ट मोड है उसे चेक करते हैं, देखते हैं वहाँ पर जो लेटेंसी है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो इस नेकबैंड को अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए ऑब्वियसली आपको जो उसका फंक्शन बटन है उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, यहाँ पर ये पेयरिंग मोड पर आ जाता है। उसके बाद अपने फ़ोन में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ है उसे इनेबल करना है, और यहाँ पर आप देख पाओगे जो आपको रॉकर्स 205 प्रो ये आपको दिख जाएंगे, तो इसको टैप करना है आपके फोन के साथ, ये जो नेकबैंड है पेयर हो जाएंगे। तो नेकबैंड हमारे फोन के साथ पेयर हो गए, तो अब एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं और इस पर थोड़ी देर म्यूजिक वगैरह सुनते हैं। और सबसे पहली चीज, तो यहां पर जो इन नेकबैंड का जो कंफर्ट लेवल है, जैसे मैंने बोला था काफी लाइट वेट है, तो नेक के अराउंड ये काफी कंफर्टेबल रहते हैं, फ्लैट टाइप का डिजाइन है तो वो भी काफी सही है, और पहनने के बाद ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और मैं यहां पर लार्ज ईयर टिप्स यूज करता हूं, तो यहां पर जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो काफी अच्छे खासी हो गए, काफी अच्छी सील है, तो अगर आप अपने कानों के हिसाब से जो ईयर टिप्स यूज करोगे तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर रहता है, साउंड क्वालिटी भी उस पर इफेक्ट करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर इनकी साउंड क्वालिटी की, लेकिन अब इस पर थोड़ी देर मैं म्यूजिक सुनता हूं और उसके बाद बताऊंगा इनकी जो साउंड क्वालिटी है म्यूजिक वाइज वो कैसी है। तो गाइस फाइनली काफी देर तक ये जो नेकबैंड है इन्हें टेस्ट करने के बाद, सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा भाई कंफर्ट लेवल काफी सही है और काफी देर तक आप इसमें म्यूजिक एंजॉय करोगे। लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी म्यूजिक की साउंड क्वालिटी की बात करूं तो यहां पर मैं बोलूंगा कि जैसे बॉट के दूसरे नेकबैंड ईयरफोन्स रहते हैं उनमें आपको जो बेस का लेवल मिलता है काफी थंपी सा जो बेस होता है, वैसे आपको यहां पर इस नेकबैंड में देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा खासा बेस है। और अगर आप बेस
हेड हो तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बेस का लेवल काफी अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा बूमी भी नहीं है लेकिन काफी थंपी सा बेस है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि बेस की क्वालिटी काफी अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पर जो मिड और हाई फ्रिक्वेंसीज हैं उनमें भी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो साउंड सेपरेशन है काफी अच्छा है। मैंने अलग अलग तरह के जो म्यूजिक जॉनर्स हैं उनमें ये जो नेक बैंड है ट्राई किया, और मैं बोलूँगा कि भाई जो क्वालिटी है साउंड क्वालिटी 1000 रुपये से नीचे में आपको काफी अच्छी मिल रही है, तो म्यूजिक वाइज आप ये जो नेक बैंड को डेफिनेटली ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मैंने इस पर वीडियोस भी देखी हैं और वहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो डायलॉग्स वगैरह है वो भी काफ़ी क्लियर है। लेकिन ऑब्वियसली इस नेक बैंड में आपको माइक्रोफोन भी दिया हुआ है तो यहाँ पर कई लोग इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर कॉलिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। तो माइक की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो मैं आपको सुना देता हूँ। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे यहाँ पर इस कॉलर माइक से, जैसा आप सुन सकते हो। तो अब एक बार मैं इसका जो माइक है उसे यहाँ पर स्विच कर देता हूँ, और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर बोट रॉकर्स 205 प्रो के माइक से। माइक की क्वालिटी मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली नेक बैंड में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं क्योंकि मुंह के काफी पास रहता है माइक, और यहाँ पर मेरे रूम में एक फैन चल रहा है, एक नंबर भी चल रहा है वैसे, तो आसपास की जो इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वगैरह होगी वो भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप इस पर कॉलिंग वगैरह लेना चाह रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस नेक बैंड को यूज करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। तो आपको कैसे लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी मुझे कमेंट करके बताओ। तो ओवरऑल जैसा आपने देखा कि इस नेक बैंड की जो साउंड क्वालिटी है म्यूजिक वाइज वो काफी अच्छी खासी है, माइक्रोफोन है वो भी मुझे काफी सही लगा है। लेकिन इसके अलावा इस नेक बैंड में आपको यहाँ पर डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है जिसको बोर्ड बोलता है बीस मोड, तो एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो लेटेंसी है पबजी जैसी गेम में आपको कितनी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको जो बिना गेमिंग मोड ऑन करें टेस्ट करते हैं और देखते हैं वहाँ लेटेंसी कितनी है, उसके बाद मैं इसका गेमिंग मोड है उसे ऑन करूंगा। Beast mode. तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इस नेक बैंड में आपको जो गेमिंग मोड मिलता है उसमें आपको लेटेंसी कितनी मिलेगी, और इसके बॉक्स पे लिखा है कि 65 मिली सेकंड के करीब आपको लेटेंसी मिलती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 90-100 मिली सेकंड के करीब लेटेंसी रहेगी। लेकिन अगर आप इस पर पबजी जैसी गेम खेलते हो या फिर इस तरह की दूसरी गेम कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर फ्री फायर, तो ये सारी गेम्स में भी मुझे लगता है कि आप इसको कैजुअल गेमिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रो प्लेयर हो, खेलते हो भाई पबजी BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी फ्री फायर इस तरह की गेम्स, तो मैं बोलूँगा कि आप वायर्ड ईयरफोन की तरफ ही रहो तो थोड़ा बेटर रहेगा। लेकिन कैजुअल गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर ये जो नेक बैंड है आप इस पर गेमिंग वगैरह कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये तो है बोट रॉकर्स 205 प्रो, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया म्यूजिक वाइज इसकी साउंड क्वालिटी 1000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पर आपको जो माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी सही मिलता है, और आप ऑब्वियसली इस पर कैजुअल गेमिंग वगैरह कर सकते हो। लो लेटेंसी मोड आपको यहाँ पर डेडिकेटेड दिया हुआ है, तो 1000 रुपये के नीचे ये जो नेक बैंड है आप इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इसको खरीदना होगा मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसे लगे ये बोट रॉकर्स 205 प्रो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको बोलूँगा।